हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारा सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप किस लिए यूज़ किया जाता है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर पिक्चर्स की एडिटिंग की जाती है, आप लोगो वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा काम जो है इस पर पिक्चर एडिटिंग का किया जा सकता है, जैसे वॉलपेपर वगैरह चेंज करना, पिक्चर्स के ऊपर एडिटिंग करना, साइज वगैरह सेट करना, पिक्चर्स का फ्रेम्स के अंदर सेट करना, पिक्चर के बैकग्राउंड चेंज करना और टेक्स्ट वगैरह के ऊपर एडिटिंग करना। तो ये सारा काम फोटोशॉप के अंदर करते हैं। आप फोटोशॉप का कोई भी सॉफ्टवेयर सेलेक्ट वर्जन, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वर्जन उसका यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। हर वर्जन के अंदर फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के हर वर्जन के अंदर काम सेम ही होता है, सिर्फ कुछ ऑप्शन चेंज होते हैं। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एडोब फोटोशॉप पोर्टेबल। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, आज हम एडोब फोटोशॉप के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 8 है, टेक्स्ट इफेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट इफेक्ट्स और मल्टीपल, यानी कि टेक्स्ट इफेक्ट्स हम करेंगे आज, यानी टेक्स्ट के ऊपर हम इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे जिसमें ट्रांसपेरेंट इफेक्ट भी होंगे और मल्टीपल इफेक्ट भी। हम देखकर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। अब टेक्स्ट के ऊपर काम करना है और क्या कहते हैं उसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह देने हैं, तो मैं इसमें पिक्चर भी यूज़ कर सकती हूँ, डायरेक्टली आप पेज लेकर उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन मैं पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहूँगी, यानी कि पिक्चर लेकर उसके ऊपर टेक्स्ट को सेट करके फिर उसके ऊपर मल्टीपल और ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देना चाहूँगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। अब पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ से आपने फाइल मेन्यू में जाना है, फाइल मेन्यू में जाके यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना ओपन, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। ठीक है, आप कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करके भी ओपन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जाने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी पिक्चर वगैरह सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं पिक्चर वगैरह जिसके ऊपर आपने टेक्स्ट को सेट करना चाहें। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमने कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर ली। अब मैं इसके ऊपर अपना टेक्स्ट टाइप करूंगी, तो टेक्स्ट टाइप करने से पहले आप देखें आपकी पिक्चर यहाँ पे लॉक्ड है। जब तक आप अपनी पिक्चर को अनलॉक नहीं करेंगे तब तक आप इसके ऊपर कोई भी काम अप्लाई नहीं कर सकते। तो पिक्चर को अनलॉक करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपकी पिक्चर लेयर है इसके ऊपर आप पिक्चर को हम पहले अनलॉक कर लेंगे। ठीक है, काम करने से पहले तो पिक्चर को अनलॉक करने के लिए यहाँ से जो पिक्चर लेयर इसमें जाएंगे, यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, कोई भी पिक्चर का नाम रख के आप ओके कर देंगे, तो आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। अब मुझे उसके ऊपर टेक्स्ट सेट करना है, तो टेक्स्ट सेट करके मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बैकग्राउंड है इसका अफेक्ट अपने टेक्स्ट के अंदर सेट कर सकूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अपने टेक्स्ट के ऊपर ट्रांसपेरेंट अफेक्ट दें, यानी कि जिस तरह से जो बैकग्राउंड है उसके अंदर लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले टेक्स्ट लिखने से पहले क्या करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे व्हाइट फोरग्राउंड कलर। ठीक है, व्हाइट फोरग्राउंड कलर और ब्लैक बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है हॉरिजेंटल टाइप टूल, ये जो टी बना हुआ है ये टाइप टूल कहलाता है, इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे हॉरिजेंटल टाइप टूल। ठीक है, हॉरिजेंटल टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद इसकी शॉर्टकट की टी, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऊपर प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी टाइप टूल की। इसमें जाकर आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से कोई भी साइज वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग शार्प आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए, और चाहें तो बाद में आप कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देना है इसलिए मैं जो अपना कलर है टेक्स्ट के लिए वाइट ही सेट करूंगी। ठीक है, अब सेट करने के बाद आपने क्या करना है, पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट के लिए अलग से लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट टाइप कर देना है, जैसे हमने अपने टेक्स्ट को टाइप कर लिया। अब टेक्स्ट टाइप करने के बाद मुझे जो सेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे मूव टूल। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की है वी। मूव टूल लेने के बाद आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब मुझे इस टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म क्रिएट करेंगे। ट्रांसफॉर्म क्रिएट करने के बाद ये डॉट्स आ रहे हैं, इन डॉट्स पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करके आप ट्रांसफॉर्म जो क्रिएट की होगी अपनी कंट्रोल टी से एंटर प्रेस करके उसे रिमूव कर देंगे। इस तरह से आप, जरूरी नहीं है कि फोरग्राउंड कलर व्हाइट लेकर कलर फिल कर सकें, आप क्या कर सकते हैं,
आप कोई भी कलर दूसरा लेके इस तरह से किसी भी पिक्चर के ऊपर अपना टेक्स्ट टाइप करके रख सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये बैकग्राउंड वाला जो वॉलपेपर है उसका अफेक्ट टेक्स्ट के अंदर देना है, इसलिए हमने व्हाइट कलर चूज किया है। हमने ये टेक्स्ट टाइप करके रख दिया। अब मुझे इसके ऊपर मल्टीपल और ट्रांसपेरेंट अफेक्ट अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब टेक्स्ट को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, आप कीबोर्ड से क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो आपके पास टेक्स्ट लेयर सामने आपको नजर आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टेक्स्ट को वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसी टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास ब्लेंडिंग ऑप्शन की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। हम थोड़ा से साइड पे रख देंगे ताकि मैं अपना टेक्स्ट भी शो, ताकि जो जो हम ब्लेंडिंग ऑप्शन से इसके ऊपर अफेक्ट अप्लाई करें ट्रांसपेरेंट मल्टीपल वो हमें दिखाई देगी किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको ट्रांसपेरेंट अफेक्ट देना है। तो जैसे ही आपके पास ये ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन होंगे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा ब्लेंड मोड। ब्लेंड मोड में जाके आप यहाँ से मल्टीप्लाई ले लेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर लेंगे तो आप देखिए आपका बैकग्राउंड और आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब अगर हम इसे ओके कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जब हमारी सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने पिक्चर के ऊपर कोई टेक्स्ट टाइप किया। तो उस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा आउटलाइन वगैरह उसकी सेट कर देंगे और उसको थोड़ा सा हम शेडो टाइप अफेक्ट दे देंगे ताकि वो हमारे बैकग्राउंड के ऊपर शो हो सके कि इस तरह से यहाँ कोई टेक्स्ट भी लिखा गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इनर शेडो इनर ग्लो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आउटर ग्लो और ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब वन बाय वन हमने इन पे क्लिक करके इन ऑप्शन को एक्टिव कर लिया। अब इनकी सेटिंग करनी है, यानी कि अगर आपको इन शेडो जो आपने दिए हैं आउटलाइन देना चाहते हैं तो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये जो आपने आउटलाइन शेडो वगैरह दिए हैं इनको आप इंक्रीज डिक्रीज या इनकी सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन ऑप्शन के चेकमार्क वाली जगह पे क्लिक नहीं करेंगे बल्कि इनके नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इनके नेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ इनकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ जो इनकी प्रॉपर्टीज ओपन होंगी इनमें आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी कलर वगैरह सेट कर सकते हैं, जो भी देना चाहते हैं आउटलाइन का ओके कर देंगे। आउटलाइन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा हल्की सी शो हो रही है। उसके बाद मैं शेडो सेट करना चाहती हूँ, इन शेडो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना कोई भी शेडो सेलेक्ट कर लेंगे, तो व्हाइट कलर का जिस तरह से सिलेक्ट करी हूँ। ठीक है, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसकी ओपेसिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। डिस्टेंस सेट करना चाहते हैं डिस्टेंस, चोक सेट करना चाहते हैं चोक, और साइज सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका साइज वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इनर ग्लो पे क्लिक करेंगे। अगर इनर ग्लो देना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे भी सेट कर सकते हैं। कलर वगैरह आपने इनर ग्लो का सेट कर दिया। उसके बाद आप इसका चौक सेट करेंगे, साइज वगैरह देख रहे साइज वगैरह सेट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद आप आउटर ग्लो पे क्लिक करेंगे, इनकी भी आप सेटिंग कर देंगे। ठीक है, इसमें भी आप स्पेयर सेट करेंगे, साइज सेट कर देंगे। इस तरह से सेट कर देंगे। उसके बाद आप ड्रॉप शैडो पे क्लिक करेंगे, इसका डिस्टेंस सेट करेंगे, स्प्रेड सेट करेंगे, साइज सेट करेंगे और ये सब सेटिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, अगर आप कोई और इफेक्ट देना चाहते हैं ग्रेडियंट ओवर ले तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस तरह से वो भी इफेक्ट आ जाएगा। कलर ओवर ले देना चाहते हैं तो कलर ओवर ले भी आ जाएगा उसी इफेक्ट के साथ। अगर आप चाहते हैं कोई सैटिन वगैरह इफेक्ट दें तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट अफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इन्हीं ऑप्शन से काम लेंगे जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप अफेक्ट सेट करने के बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका इसके ऊपर, अब देखिए टेक्स्ट के अंदर बैकग्राउंड का अफेक्ट भी आ रहा है, ट्रांसपेरेंट भी हो गया आपका टेक्स्ट और साथ में वो टेक्स्ट उस बैकग्राउंड के ऊपर शो भी हो रहा है जो आपने वॉलपेपर सेट किया है। अब हमने अपना काम खत्म कर लिया। हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी से सिलेक्शन रिमूव करेंगे इस तरह से। तो ये आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट भी सामने शो हो रहा होगा, साथ में ट्रांसपेरेंट अफेक्ट और वॉलपेपर भी शो हो रहा होगा। अब ये जो आपने अलग अलग अफेक्ट दिए इन सबको आप मर्ज कर देंगे। मर्ज कैसे करेंगे,
कीबोर्ड से आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो आपके जो अलग अलग अफेक्ट्स की लेयर्स होंगी क्रिएट हुई होंगी वो सब एक जगह पे मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई भी मल्टीपल या ट्रांसपेरेंट अफेक्ट फोटोशॉप के अंदर दे सकते हैं। यह आपका लेक्चर फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 8 टेक्स्ट अफेक्ट्स ट्रांसपेरेंट अफेक्ट और मल्टीपल अफेक्ट्स कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट डाउन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मज़ीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।